हेलो फ्रेंड्स, पुनित वैशिष्ट वॉज लाइव विथ संदीप फोगट ऑन यूट्यूब चैनल। वी ऑल नो पुनित इज अ फ्रैंक स्पीकर, ही स्पीक्स एवरीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। टुडे ऑन संदीप शो ही एक्सपोज्ड ऑल द खान्स ऑफ बॉलीवुड, ही शोड देयर ट्रू कलर्स। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट सुशांत एंड हाउ टैलेंटेड ही वॉज एंड हाउ अदर्स यूज टू बिकम जेलस ऑफ हिम। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड Bollywood and underworld connection and many other things. So let us see what Punit said. तो आपका क्या कहना है? तो मैं आपको बताऊंगा कि यू नो कहां जा रही है दास्तान सच और कैसे हैं ये बॉलीवुड के सल्लू जो भी पल्लू और ये सब शाहरुख खान तो सब इडियट्स हैं यार ये सब लोग। छोड़ दो, मतलब आपकी क्या सोचा बताइए। मैं तो इनको घर पे बुलाता हूँ कि आ जा बेटा तेरी आंतड़ियां निकाल दो सारी। मेरे को पता है ना मैं बॉम्बे की पैदाइश हूँ, तो ये लोग कितने कुत्ते हैं, कितने ईर्ष्या और ईगो भरे और नार्सिसिस्टिक हैं, यू नो, और ईगोटिस्टिक और वेनेमस है। दिस इज माय लैंड, यू नो, आई शुड लीव द स्टार्स, यू नो, कौन हो बे तुम, यू नो, जिसके पास टैलेंट है उसके पास वो स्टार बनना चाहिए, वो बनना चाहिए इस इंडस्ट्री का भाई। तो सुशांत के पास टैलेंट ज्यादा है कि सलमान खान के पास ज्यादा है? सुशांत के पास डेफिनेटली। तो यार धोनी, अगर मैं तो ये बोलता हूँ, धोनी अगर सुशांत की सलमान और शाहरुख ने देखी होगी तो वो लोग तो ऐसे देख रहे होंगे फिल्म को, अरे बाप रे भाई हम लोग का क्या होने वाला है, यू नो, बिकॉज जो परफॉर्मेंस थी उस लड़के की यार, यू नो, अमेजिंग यार, यू नो, किरदार को जीने वाला आर्टिस्ट था। और वो तो ये लोग ने राजीव मसन हो चाहे तरण आदर्श हो चाहे करण जौहर हो, दे ऑल ट्राइड टू यू नो क्रश हिज सेल्फ एस्टीम एंड पुल हिम डाउन एंड ब्रिंग हिम डाउन एंड गेट हिम इनटू मी टू फी टू। फिर ये रिया चक्रवर्ती इसकी लाइफ में आई और बहुत गंदगी, तो उसको हर जगह से मतलब यू नो उतारने की कोशिश की गई। एक पवित्र रिश्ते का स्टार एकता ने बोला हाँ चलो ये फिल्म कर लो, अभी इतने जो फ्रेम में आया उसने सीन किया, लोगों की आत्माओं को छू लिया, तो वो तो ये नेपोटिस्टिक लोगों के कंट्रोल के बाहर हो गई ना। अभी तो पब्लिक तक बात पहुंच गई कि यार ये क्या लड़का है, यू नो, नेचुरल एक्टर है, तो ये सब अभी पब्लिक देख रही है, तो ये यहाँ के भाई लोग भी देख रहे हैं ना। तो उन लोग ने अपने हिसाब से इसको झुकाने की, करण ने अपने हिसाब से उसको कम टू मी सुशांत सुशांत बुलाने की, वो पता है सब जानते हैं ये सब, सिद्धार्थ मल्होत्रा वरुण धवन करण के साथ क्या कर करके आगे बने तो सब जानते हैं यार, हम क्यों अपना मुंह गंदा करें। तो मैं तो यही सोचता हूँ, इट्स ऑल अबाउट कंस्पायरिंग थ्योरी, कि सुशांत नहीं झुका होगा यार, वो बिहारी लड़का होगा, यू नो, बी लाइकिंग विमेन एंड स्टफ लाइक दैट, प्रोबब्ली मस्ट नॉट वांटिंग टू बेंड डाउन टू द करण रूल्स एंड स्टफ लाइक दैट। और फिर सब लोग जानते हैं सूरज का लफड़ा हुआ था सलमान की पार्टी में, तो वो गलत, तो सलमान के बारे में सब जानते हैं, विवेक को बर्बाद कर दिया, मेरे को भी उसने बॉयकॉट कर दिया कलर्स में सोनी में, तो गधा है एक नंबर का यार। मैं तो मतलब अभी आप 50 कंट्री बोलते हैं यार एक ही आदमी है जो सलमान खान को मुंह पे गाली देता, तो मैं तो उसका नंबर भी, मैं तो उसको लिंक भी भेजता हूँ, देख ले गधे तेरे बारे में कितना, अभी आपने मुझे बोला है गालियां नहीं देना तो मैं नहीं दे रहा हूँ। बट देखो सलमान खान से आप पूछो कि क्या करते हैं, बोले आई एम एन एक्टर। अबे एक्टिंग तो तेरे को आती नहीं है, कहां से बन गया एक्टर तू भाई? मुझे तो सच बताओ ना, मुझे इनमें से किसी की भी एक्टिंग है ना, मुझे, मैं हमेशा कहता हूँ कि ए भी नहीं आता इनको, एक्टिंग की पूरा तो छोड़ ही दो, ए भी नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल यार, तो आमिर था और आमिर भी अभी ये पता है इन सारी चीजों में जुड़ रहा है, इसका नाम जुड़ रहा है तो बुरा लग रहा है, बट ही इज एन एक्टर, यू नो, ही इज क्वाइट, आई ऑलवेज लव्ड हिम, बट अभी वो क्या टर्की वर्की जाके उसकी वाइफ स्टूपिड स्टेटमेंट्स दे रही है, और अभी कोविड में उसने भी सुशांत के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये सब कुछ एजेंटिंग है ऑफ दुबई ऑफ पाकिस्तान। और जो हमेशा से नहीं थे संदीप, आपको ये समझना है, ये हमेशा से नहीं थे, यू नो, ये क्या है ना, मैं आज ही किसी को उदाहरण दे रहा था कि देखो जुवारी लोग बैठे हैं रेस कोर्स में, वो देखते हैं कौन सा घोड़ा सही है, हाँ उसके ऊपर पैसा लगाओ। तो ये शाहरुख चल गया, सलमान चल गया, आमिर चल गया, तो ये दाऊद और ये लोग जो भी है शेख वेख, दे विल गेट इनटू देयर सिस्टम और इन्फिल्ट्रेट करेंगे उनकी लाइफ में कैसे भी, यू नो, एजेंट्स देके, मैनेजर्स देके, उनको ये करके, मीडिया भी जे राजदीप सरदेसाई फरदेसाई, ये सब लोग करप्ट मीडिया है, ये लोग आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं,
और ये ना सब गंदगी है, तो ये सारा मतलब डेविल डेविल इज वेरी पावरफुल और डेविल का पावर दिख रहा है, लेकिन एक अपने छोटे भाई की बलि चढ़ी, जिसने कहीं ना कहीं भोले बाबा का नाम लिया हुआ था, तो सारा डेविल डेविल भी भोले बाबा का, ये सारा खुल गया इनके डेविल फेविल सारे ना। तो ये तो मतलब मेरी एज अ ब्राह्मण मेरी भविष्यवाणी है, फॉरगेट द एक्टर, फॉरगेट द मायावी रोल दैट आई एम प्लेइंग, आप जानते हो मैंने शाहरुख से, सलमान से, ऐश्वर्या से, सुष्मिता, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, सबको डांस सिखाया। मैं अहमद खान का असिस्टेंट था, रेमो मेरा जूनियर था, तो क्यों रेमो ने मेरे को नहीं बुलाया कि मेरे टांग हाथ टूट गए हैं, क्या मैं गंदा दिखने लग गया हूँ, क्या मेरा पेट निकल आया है, क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि लोग जानते हैं ये फ्रैंक आदमी है, जो इसके दिल में है, इसके मुंह पे है, ये लोग जो अपने झोल झपाटे में फिटते हैं उसको दूरी रखो। चमचागिरी नहीं करनी करते वो उनको बिल्कुल, पता है। काहे के लिए भैया, हम तो एक ही जगह झुकते हैं भगवान के, और जिसमें प्यार है, जिसमें सेवा, उसके आगे झुकते हैं। तो ये कौन बिल्कुल सलमान बिल्कुल पलमान, अबे हटा, सलमान क्या है, मेरे से 11 साल बड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा एक्टर है, बैंड्रा का ग्राउंड फ्लोर बॉय, मैं उससे 11 साल छोटा जू बॉय हूँ। तो ये लोग आप देखते हो सलमान खान, अबे हटा सलमान खान, सलमान क्या सलमान फिर दोबारा से फिर जेल भेज देंगे भाई। वो।